नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेलीमिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे आने वाले सप्ताह यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बारे में और आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी की कितनी सारी परेशानियाँ, कितनी सारी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हमेशा सोल्यूशन आपका लेके हम यहाँ हाजिर होते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, गीतिका महाजन मैम आपकी जो लाइफ है उसको और स्मूथ करने के लिए, हमेशा आपको यहाँ रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ हर सप्ताह जुड़ती हैं। अपने इतने सारे व्यस्त कामों में फिर भी आपके लिए थोड़ा सा समय निकालती हैं। तो चलिए पहले एक बार उनका स्वागत कर लेते हैं अपने शो में और जानते हैं उनसे कि अब इस सप्ताह में हमें क्या क्या अपने अंदर और बदलाव लाने की जरूरत है। मैम, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसे कि आप हर वीक आते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक मंत्र हमारा कि अपनी जितने भी आप फॉरगिवनेस करिए करिए और हमेशा बोलते रहिए इससे अच्छा क्या होगा। तो आज की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इससे कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक टिप दें कि हमेशा खुद पे काबू कैसे करना है। थॉट्स तो हम हमेशा बात करते हैं, नेगेटिव थॉट्स कैसे कंट्रोल करनी है या कैसे खुद दूसरों को ब्लेसिंग्स कैसे देनी, लेकिन एक मेजर फैक्टर जो आज के दौर में सबसे पाया जाता है सब में इज अ गुस्सा, एंगर, उसको कैसे कंट्रोल करना, क्योंकि आई थिंक एंगर कंट्रोल हो जाए तो सारी जितनी भी प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन हो जाते हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा दशहरा में, हाउ वी हैव टू विन ओवर आवरसेल्व्स हमारी ईवल के लिए। जब भी हम अपनी कोई नेगेटिव क्वालिटी है उसको ओवरकम करना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज कि उसको आपने देखना ही नहीं है। ओके, आपने बोलना ही नहीं कि मुझे गुस्सा है। आपका फोकस, अगर आपको गुस्सा आता है, आपका फोकस होना चाहिए मुझे पीस आता है या मैं पीसफुल इंसान हूँ, क्योंकि हम नॉर्मली नेचुरली, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वी आर लवफुल एंड पीसफुल बींग्स। यस। तो आप अगर पीस पे फोकस करोगे, गुस्सा इग्नोर हो जाएगा। जो चीज़ इग्नोर हो जाएगी वो अपने आप से चली जाएगी। पर अगर आपका फोकस होगा गुस्सा, चाहे गुस्सा कंट्रोल करना है, गुस्सा आता है, गुस्सा कैसे कम करना है, गुस्से की मेडिटेशन हो, फोकस गुस्सा है, तो उससे गुस्सा और बढ़ते जाता है। आप नोटिस करना कि वो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, कहते सब कुछ किया पर नहीं हो रहा है। हाँ, अक्सर यही लोगों में प्रॉब्लम आती है ना कि वो मेडिटेशन करने भी बैठते हैं लेकिन वो पीस कंट्रोल नहीं आता है। कि बंदा बोलता है कि मैं 10-10 मिनट 15-15 के स्टार्टिंग जो पेस होता है मेडिटेशन का बैठता हूँ, लेकिन एक जो फोकस है वो नहीं बन पाता है क्योंकि माइंड में बहुत सी बातें चलती रहती कि यार ये हो गया, वो हो गया। अक्सर मुझे लगता है आंखें बंद करने के बाद कुछ ज़्यादा ही बातें दिमाग में घूमती हैं। तो ये सब कुछ कंट्रोल करने का एक रास्ता, देयर इज नो कंट्रोल। माइंड में जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, उनको आने दो। गिव देम फ्रीडम ऑफ थॉट्स। अपने आप से जब किसी चीज़ को फ्रीडम मिलती है वो अपने आप से धीमा होने लगता है। जितना आप कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे हम बच्चे को कंट्रोल करते हैं वो एग्जैक्टली और एग्रेसिव हो जाता है। डोंट डू दोज थिंग्स, डोंट कंट्रोल, लेट इट गो फ्री। जिसको आप फ्री करते हो वो वापस आराम से शांत हो जाता है। क्या बात है? नोटिस दैट? नो, नेवर नोटिस इन माय लाइफ। सो ट्राई दिस, ओके व्यूअर्स, नेवर फोकस ऑन एनी नेगेटिव क्वालिटी, फोकस ऑन द ऑपोजिट। वी पीसफुल एंड लवफुल बींग्स, तो आप पीस पे फोकस करो, पीस आएगी। अगर आप गुस्सा कंट्रोल के लिए फोकस करोगे तो आपको सिचुएशंस आएगी जहां आपको अपने गुस्सा कंट्रोल करना है, तो उसके लिए गुस्सा आएगा। व्हाई डू वी वांट टू गो फॉर दैट? गो फॉर पीसफुल सॉल्यूशंस ओनली। एंड इन दिस वे, ऑन दिस नोट, वी स्टार्ट आर राशिफल से, एरी से मेष राशि। एरीज के लिए यू आर फॉलोइंग अ वेरी वंडरफुल मंथ आई थिंक, बिकॉज ऑल योर कार्ड्स आर कमिंग वंडरफुल ऑल दीज वीक्स। सक्सेस इन वर्क, फैमिली लाइफ फुलफिलमेंट है, फैमिली में सब जगह प्रोस्पेरिटी है। जिन लोगों से बात भी नहीं हो रही थी, बातचीत शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट आप कोई हॉबी है आपकी या कोई कोई टैलेंट स्किल है जिसमें आपने अपने आप को गाइडेंस ली है या ट्रेनिंग ली है और उसको अपना बिजनेस बना दिया है। देयर इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इनटू योर लाइफ, यू आर गोइंग इनटू अ बेटर जोन। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट कीप डूइंग इट, यू आर ऑन अ हायर राइट। अब हम देखते हैं टॉरियस, दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियस के लिए यू हैव अ वेरी गुड टाइम, मतलब कि लक आपके साइड में है, आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत पीसफुली हो जाएगा। पर आपको ऐसे लगता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन, आप दूसरों के बर्डन्स भी अपने ऊपर ले लेते हो, इसके वजह से आप अपना अच्छा टाइम भी इंजॉय नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस योर फैमिली लाइफ एंड बैलेंस योर होम लाइफ। आप बैलेंस कैसे करोगे, दोनों पैर जमीन में होना चाहिए, वो तो होते ही है, हम जमीन पर ही चलते, बट बी स्टेबल। आप देखो कि आप कहीं भी जा रहे हो, जल्दी में काम मत करो, जहाँ आप काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करो। द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस इज दिस इज, जैसे आप सुबह उठते हो आप धरती माता को प्रणाम करो और उनको थैंक यू करो कि वो आपका बोझ ले रहे हैं। इससे आप देखोगे कि आपका टाइम बहुत अच्छी तरह चल रहा है और आपका पूरा दिन लॉ एंड ऑर्डर में हो रहा है और आप टेंशन कम ले रहे हो पर इंजॉयमेंट ज़्यादा कर रहे हो। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस, सो ऑल द बेस्ट।
अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि. मिथुन राशि वालों के लिए देर वॉज प्रॉबली सम डिसअग्रीमेंट्स विथ योर पार्टनर और विथ योर बॉस एंड कलीग्स. कोई अच्छा सोल्यूशन भी था पर आप दोनों बिकॉज ऑफ ईगो एंड जिद के वजह से आप नहीं देख रहे थे. इनफैक्ट आप दोनों ने या आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है या कोई कोर्स कर रहे हो जिससे आगे आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है. यू हैव डिसाइडेड दैट यू वॉन्ट टू वॉक आउट ऑफ योर ओल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप जो अच्छे नहीं थे. रिलेशनशिप्स मतलब द थॉट्स, ओल्ड थॉट्स इन रिलेशनशिप जो आपके कोई काम के नहीं है. आप आगे बढ़े हो, यू आर वेरी डिटरमिन्ड कि आगे कठिनाई हो सकती है, चैलेंजेस है, बट आप उसको पार कर सकते हो और सक्सेस को हासिल कर सकते हो. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट. अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि. कैंसेरियंस के लिए यू हैव बीन, मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ बैड फेज जहाँ पे किसी ने आपको डिच किया है या आपने कोई बात सुनी जो नहीं सुननी चाहिए थी. पर अगर आप इस बात को भूल सकते हो या उस जो भी वो बंदा है उसको माफ़ कर दो, पर उससे आपको क्लियर कट रहना चाहिए या उसे आपको अवेयर रहना चाहिए. जब मैं किसी को आपको बोलती हूँ कि आप किसी को माफ़ करो, इसका ये मतलब नहीं उसको जाके एम्ब्रेस करो या उसके साथ बिजनेस फिर से करो, इसे बातें करो. आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो. आप उसके, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको जितना इग्नोर करो वो ठीक है, क्योंकि उनके एटीट्यूड्स, उनकी क्लेवरनेस, ट्रेचरी आपके लिए अच्छी नहीं है. पर दिल में से उनको माफ़ कर दो, बिकॉज जितना आप ग्रज होल्ड करोगे आपके वाइब्रेशंस ही नेगेटिव होते रहेंगे. अगर हेल्थ को लेके आपने अपने सिटी से कहीं दूसरे सिटी में जाना हो या किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना हो जो आपके सिटी से बाहर है, इट विल बी वेरी गुड आइडिया एंड अ डिसीशन, और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा. आपके आईज में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीशन और सी बियॉन्ड. आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है पर आपको अपने इम्परफेक्शंस दिख रहे. अगेन द मैजिक मंत्रा इज, इससे अच्छा क्या हो सकता है और क्या मैं कर सकता हूँ. आप ये करते जाइए, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल डू वंडर्स इन योर लाइफ. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि. लियोज के लिए कुछ बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा है विच विल टेक यू टू हाई स्काई, सेवंथ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. इनफैक्ट आप कोई पार्टनरशिप में जा सकते हो. अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन जाएगा, या आप जिसको पसंद करते हो उसके साथ आपकी शादी भी तय हो सकती है. इनफैक्ट आपको कोई इतनी अच्छी खबर आ रही है, मैरिज की न्यूज़, प्रेगनेंसी न्यूज़, या कोई बिजनेस वेंचर या जॉइंट वेंचर के लिए जो आपके दिल को बहुत खुश करेगा, आपको सक्सेसफुल और स्टेबिलिटी का एहसास दिलाएगा. एंड इट इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर मेनी मेनी ईयर्स अहेड. सो ऑल द बेस्ट टू यू. Then I look at Virgo, that is कन्या राशि. Virgos के लिए आपको थोड़ी सी difficulty हुई है क्योंकि अगेन किसी ने आपको backstab किया कि किसी relationship आपको छोड़ के चले गए. In fact, that is very good for you क्योंकि आप अभी free हो, आप आगे बढ़ सकते हो. पर आप इस situation को negatively ले रहे हो. Instead of seeing it as a boon, you are seeing it as कि मुझे किसी ने धोखा दिया है. आप ये मत सोचो कि मुझे किसी ने धोखा दिया है, आप बस बोलो कि मुझे किसी ने चांस दिया है कि मैं अपने आप को और आगे बढ़ा सकता हूँ. अगेन यू नीड टू डू द मदर फादर प्रेयर, जिसमें आप अपने मदर एंड फादर को थैंक यू करते हो कि उन्होंने आपको जन्म दिया, उनको पाला पोसा, और उनके वजह से अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव बात है आप उनको फॉरगिव करते हो और उनकी गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस की प्रार्थना करते हो. अगर ये करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे. अब हम देखते हैं लिब्रेंस, दैट इज तुला राशि. लिब्रेंस के लिए सडनली जब एक सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, आपने ऑलमोस्ट हार मान ली है, एक गुड न्यूज़ लाइक अ हीरो एंटर्स योर लाइफ एंड एवरीथिंग बिकम्स गुड. इनफैक्ट जो आप किसी रिजल्ट या किसी काम या किसी न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हो वो बस आने वाला है और आप देखने वाले हो कि आपने जो मेहनत की है आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, एंड इक्वल रिजल्ट मिल रहा है. सो लाइफ इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वेरी फेयर फॉर यू. बी पेशेंट, हैव फेथ एंड ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृषभ राशि. स्कॉर्पियंस के लिए देर इज़ अ न्यू टाइम इन योर लाइफ, न्यू बर्थ, न्यू डिस्कवरीज. आप शायद एक नया जॉब शुरू कर सकते हो, आप हालांकि आपकी शादी होने वाली होगी या हो चुकी है, या देर इज़ अ प्रेगनेंसी कमिंग अप. आप घबरा गए हो कि आगे क्या होगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन बिकॉज आपके हाथ में डेस्टिनी कार्ड्स आ गया है कि आप किसी लेगेसी का हिस्सा होगे, आपका गुडविल इम्प्रूव होगा, आपके प्रमोशंस होगे, लोग आपको पसंद करेंगे. सो आप अगर सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर आप ये रिस्क ले रहे हो या कुछ नया शुरू कर रहे हो, टैरो कार्ड्स आर सेइंग फ्यूचर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड ब्राइट एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. तो बी वेरी क्लियर कट एंड टेक द रिस्क एंड मूव अहेड. मैम, जैसे आपने अभी बताया कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली, लेकिन आप एक
टेंस जो माहौल है उसमें गुजरे कि अब क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि हमेशा हर इंसान का ये रहता है कि कुछ भी लाइफ में अच्छा होना तो हम उस अच्छे मोमेंट को एंजॉय करने के बदला ये सोचते हैं कि अच्छा अब ये अच्छा हो रहा है, बहुत जल्द हमारे साथ बुरा होगा। तो वो वाले जो एंजाइटी है, वो वाले जो इमोशंस है, उसको कैसे कंट्रोल करें, हमारे सब व्यूअर्स को एक छोटा सा टिप प्लीज। हाँ देखिए, जब हमारी जो जैसे अर्थ की रोटेशन चलती रहती है, हमारी जी मूवमेंट चलती रहती है, वी विल नेवर गेट स्टक इन वन प्लेस। हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, और कभी आगे बढ़ने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि हमने डेवलपमेंट्स नहीं किए हैं। अगर आप एवरी डे अपने आप को चेंज करो तो आपको रिस्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप रिस्क एवरी डे ले रहे हो। पर अगर आप अपनी रूटीन कंटिन्यू करोगे तो इट्स अ गैप, आपने डेवलपमेंट नहीं की तो सडनली यू हैव टू टेक अ जंप। तो आप अपनी लाइफ को आगे मोशन में कैसे बढ़ा सकते हो, बस बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ। और आपको पता भी नहीं होता कि जैसे कि जो मुझे सुन रहे हैं वो शायद 20 साल के होंगे, 30, 40, 50, 60, कितने के भी होंगे। आपको आज बैठे बैठे जब आप ये एपिसोड देख रहे हो, आपको पता चला कि आपके वो पिछले 20, 30, 40, 60 साल किधर गए, और आप खुद देखोगे कि आपने कितनी ग्रोथ की और आपने रिस्क लेके भी कहाँ आगे बढ़े हो। तो इसी उम्मीद एंड फेथ के साथ आप आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि फेथ पे ही दुनिया कायम है। बिल्कुल, ठीक है ना। सो विद दैट नोट वील टेक सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, या आप शादी करना चाहते हो, या आप शादी में हो, तो अगर आप ट्रेडिशनल वेज एंड वैल्यूज़ को अपनाओ या उन पे चलो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दैट मीन्स आपको काम पे हायरार्कीज पे आगे बढ़ना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, टेक केयर ऑफ योर जूनियर्स, ऑल ऑफ दैट। अगर आप शादी में हो तो इफ़ यू आर द मैन यू टेक केयर ऑफ द वुमेन, इफ़ यू आर द वुमेन यू टेक केयर ऑफ द मैन। तो अगर आपको अपने काम में डोंट रिमूव नेगेटिविटी, बट बी वेरी हैप्पी दैट यू हैव अ पार्टनर, यू हैव अ रिलेशनशिप, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। आप देखोगे कि आपके पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। द टैरो एडवाइस इज दैट स्टार्ट फीलिंग अपने आप को कि आप यू आर अ वेरी प्रॉस्पेरस बींग। आप अपने आप को पहले से बोलो कि आप बहुत प्रॉस्पेरस हो। अगर घर में कोई रेनोवेशंस मांग रही है तो उसको रेनोवेट करो, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लाइफ में होगा। यू कैन बी नियर वाटर, यू शुड कीप अ वाटरफॉल और अ वाटरफॉल सीनरी इन योर हाउस, ग्रीनरी प्लांट्स रखना चाहिए। इससे हमारे लाइफ में ना उम्मीदें जागती है, फेथ भी आता है, और हम हमेशा फ्रेश रहते हैं। सो विद दैट नोट ऑल द बेस्ट टू यू। लेट्स सी केप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि। केप्रिकॉन्स के लिए, अगर आप कहीं बाहर गए हो स्टडीज के लिए या काम के लिए, आप उधर के ही हो जाओगे, आप सेटल्ड हो जाओगे और आपका अच्छा घर भी बन जाएगा। इनफैक्ट यू आर सीइंग कि राइट नाउ यू आर बीइंग द पीस मेकर, जो अपने फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने कम्युनिटी में पीस ला रहे हैं, एंड यू आर द डेड ईयर जिसमें गॉसिप खत्म हो रही है। यू मे वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू मे वॉन्ट टू गेट इनटू अ न्यू हॉबी, या आपको कोई नया बिजनेस, या इसी बिजनेस में कुछ नया रिस्क लेना चाहते हो और आप बहुत एंथुजियास्टिक हो, एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। सो डू टेक दैट लीप फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए, यू हैव गॉट इनफ गाइडेंस, यू हैव इनफ सपोर्ट, यू हैव इनफ फ्रेंड्स। आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे और आपको सक्सेस मिलेगा। यू आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस कि लोग क्या कहेंगे। दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गुड फॉर यू। आप बोलो, आप ये सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं आगे करूँगी। और आप ऐसे कभी कभी ये होता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है पर दूसरों को बुरा लगता है, मुझे जो बुरा लगता है दूसरों को अच्छा लगता है। बट देर इज़ अनदर थर्ड पॉसिबिलिटी कि ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो मुझे भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है। और ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे और आप देखोगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलती है। यू लैक अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ नथिंग बट जस्ट फेथ, बल्कि फेथ थोड़ा मिस हो गया है, उसको चार्ज करना है। चार्ज इट विथ मेडिटेशन, विथ सम गुड प्रेयर्स, गुड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, एंड यू विल बी बैक टू योर सेल्फ, टू द कॉन्फिडेंस सेल्फ। अब हम देखते हैं पाइसिन, दैट इज मीन राशि। पाइसिन्स के लिए प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, और प्रेगनेंसी इज ऑन द कार्ड्स, वॉट एवर सूट्स यू। अगेन, आपने देखा है कि जो आप सोचते हो यूनिवर्सली आपको उसके आंसर्स पूछने से पहले ही मिल जाते हैं। And you are at a very good position in the society. People love you. They come to you for advice. आप वही काम को नए तरीके से कर रहे हो। In fact, maybe आप environment के लिए कुछ नया करना चाहते हो या कर रहे हो, and you will gain a lot of success because of that. So all the best to you.
तो ये थी इस सप्ताह की जानकारी कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको आप कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और गीतिका मैम जो है हमेशा हर सप्ताह आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ की उनको आपके सामने रखती हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में अब होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही वो अपना सोल्यूशन भी आपको देती है, जिससे बहुत से लोग हैं उन्होंने हमें रिवर्ट करके बताया है कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हुई है। तो ऐसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको परेशानी लग रही है कि काफ़ी देर से कुछ कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, या आपके चिल्ड्रंस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी इशू है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और जैसे आप हमारे सारे एपिसोड शेयर करते हैं, इस एपिसोड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में और हमें प्यार देते रहिए। उम्मीद है आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।